लेते हैं। सर ऐसा ठीक है, कर लेते हैं सर। कर लेते हैं। अगर थक जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें सर जो मैं गया था उसमें ये था कि मैं 10 को मॉड्यूलस बनाना चाह रहा था। हाँ देखो, मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि क्या ए कैप का मॉड 1 था, तो ए कैप में क्या लिखना चाहिए? अंडर रूट जो भी एक्स वाला है उसका स्क्वायर प्लस वाई वाला प्लस जेड वाला, राइट? ठीक बात है। और कैलकुलेशन हमें कॉम्प्लेक्स करनी है या सिंपल से सिंपल करनी चाहिए? अगर होल स्क्वायर कर दो तो क्या ऐसा बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं आर कैप इज ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप प्लस 0.5 के कैप, तो क्या हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस देखो, √3/2 √3/2 बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अगर ये यूनिट वेक्टर है इनका होल स्क्वायर मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड होगा क्या वो 1 आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो मेरा तो फिर से 0.75 का मेरा भी सर वही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने सोच के भी क्वेश्चन बनाया है। सही बात है, यस सर, बढ़िया। तो मैं बस ये आइडिया देना चाह रहा था कि अगर हमारे पास कभी भी यूनिट वेक्टर आता है तो कुछ मत सोचना, सीधा उसका मैग्नीट्यूड क्या डालना है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर, ठीक है। आप एग्जाम में सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। सपोज एक वेक्टर हमारा है आर, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, सर्कल में रेडियस समझते हैं हम लोग, यस सर, एंड वेलोसिटी, यस सर, वेलोसिटी मैंने दे दी ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, फाइंड ए इफ वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्या सर्कुलर मोशन में रेडियस और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होंगे? यस सर, ये बात बोली बिल्कुल। अब तुमको बस एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, सर कहते हैं कि जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है? वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट जीरो, परफेक्ट बात बोली। तो क्या आर डॉट वी को जीरो डाल दूं? यस सर। ठीक, अब डॉट करते कैसे देखना ध्यान से। मैंने सिखाया आई को किससे करना है, आई से जे को, आई से जे से, और के को के से। तो आई को आई से करो कितना आ जाएगा? 3 है 3। और आई डॉट आई तो 1 होता है। हाँ बताया सर, यस सर, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, एंड के डॉट के भी 1 होता है। अच्छा, आई डॉट जे करने को मना क्यों कर रहा हूँ मैं? तो वो जीरो हो जाएगा सर, जीरो आ जाएगा, तो फायदा है क्या करने से, टाइम वेस्ट है वो तो। सही बात है। अब जे को जे से करो, क्या लिखूंगा? 4 2 8 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 सर प्लस 8, एंड के को के से करूंगा,
माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स बहुत बढ़िया. तो क्या थ्री ए की वैल्यू आ गई माइनस टू माइनस टू क्या ए मेरा आ गया माइनस टू बाय थ्री. तो बड़ा रॉकेट साइंस क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा एग्जाम में. आराम से बस ये बात ध्यान रखना आज से, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही आइडिया आता है, उन वेक्टर्स का डॉट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, दैट्स इट. सर अगर पैरेलल वेक्टर्स होते तो जो हम ए क्रॉस बी जीरो करते हैं वो हम ए क्रॉस बी का मॉडुलस तो जीरो करते हैं? नहीं वैसे पूछ रहा हूं, अभी बताता हूं, देखना अभी कराता हूं. देखो अगर डॉट समझ में आ गया हो तब आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, अब क्रॉस वाली बात भी करते हैं. तो फिजिक्स सिर्फ पढ़ लेने से समझ में आ जाती है या थोड़ा सा करना पड़ता है? करना पड़ता है. सॉल्व करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी. 2i plus 3j minus 5k. ठीक, वेक्टर b हमारा है ck plus 4i plus 6j. फाइंड c इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b. ठीक है? यस सर. अब अगर ध्यान से देखो तो क्या मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उसका क्या मतलब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी जीरो. जीरो सही है. यस. सिर्फ क्रॉस निकालना हमने कैसे सीखा था? डिटरमिनेंट आई जे के लिख देते. यस सर. अब क्या लिखूं बताओ? टू माइनस फाइव. बढ़िया. और नीचे क्या लिखूं? C4 6 या कुछ और? 4 6 नोट करना, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है. यस सर, देख लो. 4 6 C ऑर्डर बदल दिया है क्या? यस सर. ये अब मुझे मैथ्स का एक रूल याद आ रहा है, पहले समझ में आ गया मैंने क्या करा. अब मैं क्या लिखूंगा? आई कैप. फिर क्या लिखूंगा? माइनस J cap plus K cap equal to zero. और बीच में माइनस डाल देते हैं क्या? Yes sir. अब हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले किसको स्ट्राइक थ्रू करूंगा मैं? I की रोजन कॉलम. तो क्या मैंने सिखाया था ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं? 3C minus 30. अजीब है, समझ में आया? समझ में आया. वैसे जे को क्या लिखूंगा मैं? 2C plus 20. बढ़िया, वेरी गुड. के को क्या लिखूंगा? 12 minus 12. सही? यस सर. यस. अब इंडिविजुअली चाहे आई वाले को जीरो डाल दो, चाहे जे वाले को जीरो डाल दो, चाहे के वाले को जीरो डाल दो. ठीक है? ठीक है. अगर ध्यान से देखो तो के को तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी जीरो हो गया था. तो अगर मैं आई वाले को सॉल्व करूं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -10. और जे वाले से? -10. यानी किसी भी से भी सॉल्व करो एक ही बात है, राइट? यस सर. अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है. क्या ट्रिक है देखो ध्यान से. अगर वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल. तो इसका मतलब a1 by a2 should be equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. a1 में किसे बोलना चाह रहा हूं? I के कोफिशिएंट. ठीक है? यस सर. I का कोफिशिएंट कौन था? 2 एंड 4. अच्छा, 2 एंड 4 एंड 4 देख लो. b का मतलब मैं किसका कोफिशिएंट बोलना चाह रहा हूं? j. देख. तो एक तो मुझे 3 दिख रहा है, दूसरा कितना दिख रहा है? 6. और C मतलब Z बोलना चाह रहा हूं. तो Z कितना दिख रहा था? माइनस 5 एंड C. सही? यस सर. तो क्या 3/6 को 1/2 कह सकते हैं? यस सर. तो अगर ध्यान दो इससे जल्दी आंसर आ जाएगा क्या? यस सर. तो C का आंसर -10 आ गया.
अजीब लग रहा है या लॉजिकल है? लॉजिकल है सर। लॉजिकल है सर। बढ़िया। एक मिनट, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है नहीं करी है? करी हुई है सर। चलो बढ़िया। अच्छा अभी भूल जाओ तो मुझे बोल देना। यस सर। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। चलो अब सपोज मैंने एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो थीटा कितना है? हेलो। यस सर। वो व्हाइट बोर्ड शो है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। थीटा की वैल्यू बताओ मुझे। सर पाई बाय 2 आएगा क्या? वेरी गुड, सही लग रहा है मुझे। ए प्लस बी का मॉड का मतलब हम ऐसा करना चाह रहे हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की बात हो रही है। और मॉड ए माइनस मॉड बी का मतलब क्या है? मॉड ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो क्या रूट कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2ab कॉस थीटा को लेफ्ट में ले गया तो क्या ऐड हो जाएगा? 4ab कॉस थीटा। यस। तो कॉस थीटा कितना आ गया? जीरो। यस यस। इसका थीटा कितना आ गया? 5/2 90। ठीक है। यस यस। ठीक, तो इसका मतलब है इसको डायग्राम से शो करता हूँ। क्या हमारा ये ए प्लस बी शो हो रहा है डायग्राम में? यस। एंड ए माइनस बी? यस। क्वेश्चन में कह रहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर ए 10 है बी 10 है तो क्या ये 10√2 है? यस सर। और ये भी 10√2। यस सर। है ना? यस सर। तो क्या एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल 90 दिख रहा है तुम्हें? यस सर। विजुलाइज हुआ सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड और ए डॉट बी को मैंने इक्वल कर दिया है, ठीक है? तो थीटा कितना होगा? फोर्टी फाइव। ए क्रॉस बी को क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी को? ए बी कॉस थीटा। मॉड लगा है ना, इसलिए एंड कैप नहीं लगा। तो क्या ऐसा बन गया tan थीटा इज 1? यस सर। तो थीटा कितना आ गया? 45। परफेक्ट। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। अब ध्यान से देखना, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है क्या? यस सर। जिसकी रेडियस कितनी है? आर। और एंगल कितना है? थीटा। थीटा।
तो क्या x कंपोनेंट को r cos थीटा कह सकता हूं? यस सर। और y कंपोनेंट को r sin थीटा। r sin थीटा। ओमेगा का मतलब होता है थीटा बाय टी, तो क्या मैं थीटा को ओमेगा टी कह सकता हूं? यस सर। तो वेक्टर r मुझे दिख रहा है r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ठीक है? यस सर। यस सर। थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी से। ठीक बात है? यस सर। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? क्या डिफरेंशिएट कर दूं? यस। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, ठीक? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं निकालना चाहता हूं आर डॉट वी, ठीक है? यस सर। तो डॉट मैंने कैसे सिखाया था, आई को आई से मल्टीप्लाई करूं और जे को जे से, तो करूं बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है? प्लस आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा। क्या ये एग्जैक्टली इक्वल है एंड अपोजिट? हाँ, कैंसिल हो गया। तो क्या आर डॉट वी जीरो आ गया? यस सर। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? आर और वी परपेंडिकुलर, आर और वी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर्कल में हमेशा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। आई होप वेक्टर्स का आइडिया लग गया थोड़ा, तुम्हें इतना क्या कर सकते हो क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है ना, मतलब इन क्लासेस का एम समझ में आ रहा है ना, ये क्लासेस मैं क्यों करवा रहा हूँ? यस सर। यस सर। एक स्टार्टअप मिल जाए और सारे कॉन्सेप्ट धीमे धीमे रिफ्रेश होना शुरू हो जाए। अब अगर प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या हमने ऐसा पढ़ा है, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा n कैप। यस सर। तो n कैप को मैं क्या कह सकता हूं? a क्रॉस b अपॉन ab sin मॉड ab sin थीटा, ठीक है? यस यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा हूं। क्या ab sin थीटा को मैं मॉड ए क्रॉस बी कह सकता हूं? यस सर। ठीक है, जान दू, मैंने एक बात लिखी, मॉड ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है? यस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है देखू, क्वेश्चन आएगा ए इज आई प्लस जे प्लस, ठीक? वेक्टर बी इज टू आई माइनस थ्री जे माइनस टू के, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं? एन का एन का, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, एन यूनिट वेक्टर हो, एन कैप कह रहे हैं। क्या एन कैप का फॉर्मूला हमें कोई पता है आज? यस, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन सॉरी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, राइट? हाँ, तो क्या पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा? यस सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई जे के, फिर क्या लिखूंगा यहाँ, वन 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 टू माइनस थ्री माइनस टू, सही बात है? यस। आई कैप में क्या लिखूं? माइनस टू
प्लस थ्री, सही बात है? यस सर। यस सर। ये भी क्या लिखें? माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। सोच लो सब लोग, के में क्या लिखे? माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू अपॉन मॉड कैसे निकालूंगा? अंडर रूट। आई का कोफिशिएंट कितना है? वन। वन। के का? फोर का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर। फोर। और के का? फाइव। जो कैलकुलेशन तो हो जाएगी बेटा, मेन लॉजिक पे ध्यान दो। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, सिमिलर आएगा, राइट? यस। ये क्वेश्चन मैं किसी बुक का थोड़ी नहीं लिख रहा हूँ, ये तो मैं अपने कॉन्सेप्ट से बना के बता रहा हूँ तुम्हें। तो अगर ऐसी 10-12 क्लासेस हमारी हो जाएंगी तो क्या हमारे बहुत सारे चैप्टर ऐसे कवर हो जाएंगे? Yes, और ये ध्यान दे रहा, कोई स्टूडेंट खुद से इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकता कि 1.5-2 घंटे में एक चैप्टर करा दिया। yes. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। yes. चलो एक लास्ट टॉपिक कराना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या सबको वेक्टर बी दिख रहा है? यस सर। वेक्टर ए? यस सर। थीटा? यस सर। तो जिसको मैं थोड़ा स्टाइल में बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन, सिंपल शब्दों में मैं उसे क्या बोलता हूँ? कंपोनेंट। बस। और आज मैंने कंपोनेंट के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था क्या? यस सर। अगर ए का कंपोनेंट निकालना है तो जिस साइड थीटा होगा उस साइड हमेशा क्या लिखूंगा मैं? कॉस। बस आंसर आ गया। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी कितना हो गया? ए कॉस थीटा। बस दैट्स इट, आंसर आ गया। अब मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। पर कंपोनेंट का मतलब समझ में आ गया ना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? यस सर। तो अगर ए का प्रोजेक्शन है तो ए कॉस थीटा, अब मैंने इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ? ऊपर क्या दिख रहा है मुझे? ए बी कॉस थीटा। बढ़िया। क्या ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कह सकता हूँ? यस सर। इसका मतलब मैं नए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ या बस डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ? डेटा को मैनिपुलेट। बढ़िया। ये मुझे क्या दिख रहा है? अभी जो मैंने बताया था ये हमारी कौन सी फॉर्म थी? केलो। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं सिखा रहा हूँ किसमें? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या फॉर्मूला था? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। अब हमें स्केलर फॉर्म में लिखना है या वेक्टर? वेक्टर। तो ए कॉस थीटा तो क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड। और बी कैप क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन, सही है? यस सर। बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? यस सर। तो क्या बन गया ये? ए डॉट बी अपॉन बी कैप अपॉन बी। सही है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब मैं नए फॉर्मूले बना रहा हूँ या उस डेटा को मैनिपुलेट करता जा रहा हूँ? डेटा को मैनिपुलेट। तो बेसिक बात ये याद रखो, जिसका भी कंपोनेंट निकालना है, अगर ए का कंपोनेंट निकालना है तो ए कॉस थीटा,
बी का निकालना है तो बी कॉस थीटा। यस यस सर। ठीक है, तो आई होप वेक्टर्स का आइडिया लग गया। मैं एक बार समरी बना दूंगा क्लास की। यस सर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला वेक्टर्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे या सिर्फ तीन चीजें करेंगे? तीन चीजें करेंगे। क्या क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। बढ़िया, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता। अब एडिशन में भी मैंने थ्री मेथड्स बताए, ट्रायंगल लो, यस सर, पैरेललोग्राम लो एंड पॉलीगन लो। पॉलीगन लो, ट्रायंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो मैं तब लगाऊंगा जब हमें क्वेश्चन में टू वेक्टर्स गिवन हो, राइट? यस सर। यस सर। अगर मोर देन टू वेक्टर्स है तब मैं क्या लगाऊंगा? पॉलीगन लो। बढ़िया, क्या मैंने पॉलीगन लॉ में बहुत क्लियरली बोला है कि जितने भी वेक्टर्स हैं सबके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं इन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास जो भी बुक्स हो वेक्टर्स वाली, जो जहां पर वेक्टर्स मिले अपना प्रैक्टिस करो, और मैं एक असाइनमेंट बना के तुम्हें भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? यस सर। तो ट्राइंगल लॉ में जो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में बस एक बेसिक डिफरेंस था, ट्राइंगल लॉ में थीटा एक्सटीरियर एंगल था, राइट? क्लियरली बोला था थीटा इज इंटीरियर एंगल। ठीक बात है? अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या थीटा को मैं जीरो पुट करूं एंड आर मैक्सिमम इज ए प्लस बी? यस सर। एंड फॉर थीटा 180 आर इज मिनिमम ए माइनस बी? यस सर। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे होगा? यस सर। ठीक है ना, अगर वेक्टर ए बड़ा है तो उसका एंगल छोटा होगा थीटा बाई टू से कम होगा, और अगर वेक्टर बी छोटा है तो उसका एंगल थीटा बाई टू से बड़ा होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता, बट सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी और बी माइनस ए आर डिफरेंट। Yes, sir. Subtraction में हमने फॉर्मूला पढ़ा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, डॉट और स्केलर एंड क्रॉस एंड वेक्टर। ठीक है? Yes, sir. A डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन निकालेंगे हम किस रूल से? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल हर जगह मैं यही यूज करने वाला हूँ। ठीक है? यस सर। तो मैं आज कोशिश करता हूँ बैठ करके थोड़े से क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना देता हूँ, फिर तुम्हें वो भेज देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्या मैंने ऐसा बताया कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है? अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो एक क्रॉस बी जीरो। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब ए डॉट बी लगा दें। यस। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए कैसा होगा? डाउनवर्ड। इसका मतलब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री। Yes, sir. और मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ या एक सर्टेन स्पीड से पढ़ा रहा हूँ? सर एक सर्टेन स्पीड है। उसका रीजन समझ में आ रहा है ना कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 1 month है। Yes, sir. ठीक है, और हम कोशिश करेंगे 1 month में हमारे ये 8 chapters complete हो जाए। Yes. बात है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब स्पीड मेंटेन रखना तुम लोग, जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसको साथ के साथ करते जाना। हाँ। Yes, sir. अगर स्लो पढ़ोगे तो फिर कोर्स हमारा पीछे रह जाएगा। Yes, sir. ठीक बात है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके क्वेश्चन निकाल के तुम लोगों को पीडीएफ भेजता हूँ। अब मुझे बस ये फीडबैक दे दो बेटा कि 1.5 आवर क्लास कंफर्टेबल है या हम 2 hours की भी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो वही हम 10 to 1.5 से 2 hours की रखेंगे,
अगर कभी थक रहे हो तो बोल देना, थोड़ी देर का ब्रेक भी रख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बेटा। तो मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ और इसके क्वेश्चन उन लोग करना शुरू करो जो भी तुम्हारे पास बुक्स है, और मैं भी बना के भेजता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी। यस यस सर, यस सर। पार्थ, गुनगुन, अग्रिम, यस सर। तो दो काम करने बेटा, पहले तो सबको अपनी अपनी फोटो लगानी है यहाँ पर। फोटो नहीं लगाता तो मुझे अजीब सा लगता है, जैसे पता नहीं किसको पढ़ा रहे हो। जैसे अमन ने लगा रखी है और दिव्या ने लगा रखी है। यस, ठीक है, एक फोटो लगा दो। और उसके बाद क्लास में कोशिश करो कि आंसर जरूर दो। अगर क्लास में बोलोगे नहीं बेटा तो ये हेजिटेशन कब खत्म होगा बताओ? ये स्कूल वाली क्लास नहीं है ना कि चुपचाप बैठे हुए हैं। यस, है ना, समझो मेरी बात को भाई। मैंने क्या बोला, लेट अस मेक हिस्ट्री, इसका मतलब अच्छे से मेहनत करो और सात आठ जो भी बच्चे सबके सब निकल जाओ, एक बार में सिलेक्ट हो जाओ। यस, तो इसका मतलब तुमको क्लास में अपनी प्रेजेंस फील करवानी है ना, बार बार बीच में आंसर बोलते रहना है, बैठे नहीं रहना है। और हेजिटेट क्या करना, सब एक ही लेवल पे हो बेटा, कोई बहुत टॉपर या कोई बहुत नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही लेवल पे हो। कुछ आंसर सही बताओगे, कुछ आंसर गलत बताओगे, इट्स ओके, बट क्लास में प्रेजेंस फील करवाओ। यस नो बोलते रहो, जो भी आंसर है बताते रहो। नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे क्या? जैसे बाकी सब लोग तो अच्छा से बोल रहे हैं, बस गुनगुन तुम थोड़ा बेटा कम बोल रही हो और पार्थ तुम, बाकी सब लोग ठीक से बोल रहे हैं। तो कोशिश करो अपना आंसर निकाल निकाल के बोलते रहो, ठीक है? यस सर। चलो बेटा, फिर मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ लोगों को अभी। यस सर, ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।